हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड इंस्पायर्ड है प्रिटी लिटिल लायर्स एक्ट्रेस शे मिचेल। वेल, शी लुक्ड एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन टर्कोइज आईलाइनर, ब्रॉन्ज आई मेकअप एंड रेड लिप्स एट स्मैशबॉक्स कोलैबोरेशन ब्रांच। सबसे पहले मैं मेबेलिन पोर एज़र से अपना फेस अच्छे से प्राइम करूंगी। उसके बाद रेड लिपस्टिक को ब्रश से लाइट डैप करके अपने पिगमेंटेड एरियाज व्हिच इज अराउंड माय माउथ अप्लाई करूंगी और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। वेल, अगर आपके पास कलर कलेक्टर पैलेट नहीं है तो आप ये टिप भी यूज कर सकते हैं। ब्लेंड करने के बाद कंसीलर अप्लाई करूंगी एंड फिर से ब्लेंड करूंगी। नाउ मेबेलिन फिटिंग फाउंडेशन इन द शेड 225 यूज करूंगी। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले ब्यूटी ब्लेंडर पे सेटिंग स्प्रे से अच्छे से स्प्रे करूंगी और फिर फेस पे अप्लाई करूंगी। ऐसा करने से फाउंडेशन स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड स्टेज देयर फॉर लॉन्गर पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट आई शेडो प्राइमर को ब्रश से अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी एंड ब्लेंड करूंगी यूजिंग माय फिंगर्स। नेक्स्ट फ्रॉम फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव पैलेट से पिंकिश ब्राउन आई शेडो बफर अपनी आईलिड्स पे अच्छे से ब्लेंड करूंगी यूजिंग अ फ्लफी ब्रश। अगेन फ्रॉम सेम पैलेट ये चॉकलेटी ब्राउन कैफीन फिक्स शेड अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी इन बैक एंड फोर्थ मोशन यूजिंग द सेम ब्रश जो पैलेट के साथ आया है। Now this lovely baked mono eyeshadow Limitless from Makeup Revolution अपनी eyelids पे apply करूंगी and clean fluffy brush से harsh lines blend करूंगी। As I'm not going to use fake eyelashes, mascara apply करने से पहले अपनी lashes को eyelash curler से अच्छे से curl करूंगी। उसके बाद मेरा favorite Maybelline Sensational mascara अपनी eyelashes पे अच्छे से coat करूंगी। Now Maybelline Age Rewind से अपने फेस के सर्टेन एरियाज को कंसील करूंगी, लाइक अंडर माय आईज, टी जोन एरिया, अराउंड माय लिप्स एंड चिन, एंड ब्यूटी ब्लेंडर यूज करके अच्छे से ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट आइकॉनिक लाइट्स एंड कंटूर पैलेट से ये बनाना शेड यूज करके अपने कंसील एरिया को सेट करूंगी एंड कंसील एरिया लाइक अंडर माय आईज उसको बेक करूंगी। उसके बाद सेम पैलेट से ये फॉर्म ब्राउन शेड से अपने यूजुअल एरिया को कंटूर करूंगी एंड ब्लेंड करूंगी using contour brush F105 from Makeup Revolution and fluffy brush F104 use करके baked areas को अच्छे से blend करूँगी। Now using Maybelline Colossal Coal in true turquoise shade अपनी lower waterline में अच्छे से लगाऊंगी। After that from Color Kios Palette this bluish shade WKD को अच्छे से turquoise liner पे pack करूँगी to intensify the color and फिर अच्छे से blend करूँगी। उसके बाद सेम पैलेट से ये रॉयल ब्लू ओवरबोर्ड शेड क्लोज टू माय लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी एंड जेनरसली मस्कारा अप्लाई करूंगी। कंटूर पैलेट से ये शिमरी शेड यूज करके इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी टू ब्राइटन द आई एंड कंप्लीट दिस आई लुक। आफ्टर दैट मेकअप रेवोल्यूशन मैट ब्लश न्यूड शेड को अपनी चीक एरिया पे लाइटली डैप करूंगी। उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन रेडियंट लाइट एक्सेल हाइलाइटर यूज करके अपने हाईएस्ट चीकबोन एरियाज, टिप ऑफ माय नोज एंड टी जोन एरिया को हाईलाइट करूंगी। वेल, शे मिचेल का ये लुक इज ऑल अबाउट दैट ब्रॉन्जी एंड हाइलाइटेड मेकअप। यूजिंग नेक्स्ट आईलाइनर व्हाइट शेड से अपने लिप्स के आउटर एरिया को आउटलाइन करूंगी टू गेट फुलर लिप्स इल्यूजन एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। Now taking Maybelline Velvet Matte Lipstick in Matte 11 shade, अपने lips पे apply करूँगी to get that matte red lip shade same like Shay Mitchell. This is the final look inspired by Shay Mitchell makeup look. I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा and आप भी ये look recreate कर सकते हैं। Post your recreated look on your social accounts and tag me also using #StyleFromCloset. Please subscribe to my channel, help me to make more videos for you. Don't forget to press the bell icon so that आप मेरी कोई भी videos miss ना करें। आप मुझसे मेरे सोशल अकाउंट्स पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।